हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोली की चटपटी दुनिया। आज हम लोग गए थे कॉलेज की तरफ से, जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं उसकी तरफ से हम लोग को सर्वे करने के लिए मिला था। तो हम लोग गए थे, ये रायबरेली रोड के पास एक गांव पड़ता है, मसीनिया गांव। तो मसीनिया प्राइमरी स्कूल में हम लोग सर्वे करने के लिए आज पहुंचे थे। तो जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे लंच होने जा रहा था, तो सारे बच्चे जो है वो लंच करने के लिए जा रहे थे। बताओ खाने का आज, जैसे सब्जी रोटी है और दाल चावल और तहरी। अच्छा, और दाल रोटी और सब्जी चावल, दाल चावल। खाना कैसा रहता है? अच्छा रहता है। तो थाली यहीं से मिलती है ना? घर से लेकर आए। और लेकिन थाली यहाँ से भी तो है। अच्छा, यहाँ से मिलता है। चलो ठीक है, ओके बाय। कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल? दो लोग हैं। हाँ। आप और वो, नाम क्या है आपका? रूपा। रूपा। हाँ। अच्छा है खाना? खाना अच्छा दिख रहा है। हेलो बेटा। आंटी, मैं पता चला था कि अच्छा। हाँ आंटी, वो नहीं नहीं देखने में लग रहा आंटी अच्छा बना है। चला के दिखा दीजिए। नहीं नहीं अच्छा है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं सही है, यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, हर चीज है। नहीं नहीं बहुत अच्छा खाना है आंटी। एक बार फिर से चलाना। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि सारे प्राइमरी स्कूल में ऐसे ही खाना बनना चाहिए। बहुत ही अच्छा खाना बना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और भी स्कूलों में हम लोग गए हैं बट ऐसा खाना हम लोगों ने नहीं देखा। बहुत ही अच्छा खाना बना है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। इस हिसाब से मेहनत है तो पैसा भी। नहीं नहीं बहुत ही अच्छा खाना है। एक बार फिर से योगी जी को जिताइए, क्या यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि क्लास में बच्चों को खाना नहीं मिला था, इसके लिए अलग से प्लेस बनाया गया है और बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ पे। और साफ सफाई का भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं, क्लास में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पे थाली जो है वो यहीं से मिलती है, मैंने और भी स्कूलों में देखा है। तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं रहती हैं, हो सकता है और स्कूलों में हो बट मैंने जहाँ तक देखा है तो नहीं ही है। लेकिन इस स्कूल में, मसीनिया जो गांव में प्राइमरी स्कूल है, इसमें अच्छी सुविधाएं हैं, खेलने के लिए भी जगह है, बने हुए हैं खेलने कूदने के लिए, खाने के लिए भी अलग से प्लेस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करते हुए, और यहाँ पे सारे जो हमारे साथ आए थे सबको बहुत ही अच्छा लगा। तुम सड़क के सीधे सड़क चली जाओगे। लंच होने के बाद हम लोगों ने बच्चों को कुछ टॉपिक पे अवेयर किया, जैसे से नो टू प्लास्टिक, सेव टू इन्वायरमेंट, जैसे टॉपिक पे बच्चों को हम लोगों ने अवेयर किया। इन सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए और खत्म तो नहीं किया जा सकता है प्लास्टिक के यूज को, लेकिन कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? अगर वाला अभी किसने बताया था सूखा कचरा गिरा, क्या बताया था बताओ? करते हो कौन कौन करता है? झूठ ऐसे ही करना, जो नहीं करते हैं, जो झूठी में उठाए हैं हाथ वो भी आज से करेंगे, ठीक है? और जो नहीं करता है उसको भी बताएंगे, है ना? सूखा
कचरा और गीला कचरा में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? क्या होता है अंतर? अंतर किसको कहते हैं? सूखा कचरा गीला कचरा किसको कहते हैं? आप नीचे बोलो और लोग भी बोलो भाई। हंसो 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 दांत दिखाओ दांत दिखाओ दांत दिखाओ। खाना खाना अंडी पकी भी है।